तो आज किस वीडियो में आपको जो कॉपी पेस्ट चैनल आइडिया दिखाने वाला हूँ ना, वो आज तक का सबसे बड़ा चैनल होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर आप देखिए, इस चैनल की यहाँ पर मंथली अर्निंग आप देख सकते हो $44,000 से लेकर $7,00,000 तक बताया जा रहा है। भाई ये तो बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि यहाँ पर फेक कुछ भी अपलोड कर दिया जाता है। लेकिन भाई जिस हिसाब से इस चैनल पर व्यूज आ रहा है ना और सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं ना, तो अगर हम इसकी मिनिमम अर्निंग $5,000 भी मानकर चले ना, तो यहाँ पर आप देखो इंडियन करेंसी में $5,000 कितने होते हैं। यहाँ पर देख सकते हो 4 लाख से ज्यादा रुपए होते हैं $5,000 इंडियन करेंसी में। तो देखो अब मैं आपको चैनल बता देता हूँ कौन से चैनल किस टाइप का कंटेंट अपलोड करता है। यूट्यूब पर आते हैं एंड सर्च करते हैं डायमंड स्टोरी। अब आप यहाँ पर देखिए इस चैनल का नाम डायमंड स्टोरी। भाई इस पर 50 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स से। अभी आप यहाँ पर देखिए शॉर्ट्स पर जाते हैं, यहाँ पर देखिए 17,000 55,000, मतलब लाखों में इसके व्यूज आ रहे हैं भाई। और अगर आपको पॉपुलर वीडियोस दिखाऊंगी, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर पॉपुलर वीडियोस में 5.3 करोड़ 4.1 करोड़, इस तरीके से भाई करोड़ों में व्यूज आ रहा है। तो आप देख सकते हो इस कंटेंट में कितना ज्यादा व्यूज आ रहा है। एंड उससे पहले अगर आप लोग कहने वाले हो कि भाई तू ऐसा खुद कंटेंट क्यों नहीं बना लेता, खुद पैसे क्यों नहीं कमा लेता, तो भाई मेरे ऑलरेडी 3 चैनल से उन पर काम कर रहा हूँ एंड उनसे अर्निंग भी स्टार्ट हो गई है। तो मैं इतने सारे चैनल एक साथ कैसे हैंडल कर सकता हूँ, तो इसलिए मैं आपको ये चैनल आइडिया बता रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले आप एक वीडियो देखिए जो मैंने इस चैनल की तरह क्रिएट किया है एंड उसको आपको मैं क्रिएट करना बताऊंगा इस वीडियो में। यह आदमी इस लड़की के बीमार बच्चों को लेकर अस्पताल जा रहा था, तभी आगे पता चलता है कि रोड पर किसी कार का एक्सीडेंट हो गया है और फिर वह आदमी वहां जाकर उन लोगों को सारी बातें बताता है। अरे सुनो, कार में एक बीमार बच्चा है जिसे जल्दी अस्पताल पहुंचना है, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। तभी वह आदमी एक पुलिस ऑफिसर को सारी बात बताता है और उसे अनाउंस करने के लिए कहता है कि सभी लोग जल्दी से चौराहे पर आ जाओ, आपकी जरूरत है। तभी सभी लोग जल्दी से चौराहे की तरफ भागने लगते हैं। तो अभी आप लोगों ने देखा किस तरह का कंटेंट इस चैनल पर अपलोड किया जाता है और मैंने सेम वीडियो बनाया है। तो देखिए सबसे पहले आपको इस तरह की चाइनीज वीडियोस के लिए एक चाइनीज ऐप डाउनलोड करना होगा। अगर आप एक शॉर्ट क्रिएटर हो तो आपको पहले से पता होगा चाइनीज ऐप यहाँ पर काफी सारे शॉर्ट क्रिएटर्स यूज करते हैं एंड उससे उन्होंने मिलियंस में सब्सक्राइबर्स कर लिए। तो देखिए आपको चाइनीज ऐप के लिए कहीं नहीं जाना है, आपको जाना है मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहां से आपको टेलीग्राम चैनल पर से उस चाइनीज ऐप को डाउनलोड करके कुछ आईडीज भी आपको वहां पर मिलेंगे, तो उनको आपको कॉपी करके उस चाइनीज ऐप में पेस्ट करके वो प्रोफाइल मिल जाएंगे जो इस टाइप के कंटेंट अपलोड करते हैं। वहां से आपको सिंपल वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। अब मैं आपको यहां पर स्क्रीन रिकॉर्ड इसलिए नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि भाई ऑलरेडी मैं अपने YouTube चैनल पर 7 दिन का इंतजार कर चुका हूं कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक लेकर, तो अब मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। तो देखिए इसके बाद हमने वीडियो ले ली एंड मैं आपको एक YouTube पर चैनल भी दिखाता हूं जिससे ये चैनल वीडियो लेता है। देखिए यहाँ पर YouTube पर आते हैं एंड मैं आपको यहाँ पर देखिए लेटेस्ट वीडियो दिखाऊंगा ना, तो यहाँ पर इसने जो वीडियो लिया है 1.2 लाख, ये किस चैनल से लिया है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको सर्च करना है मार्टा एंड रुस्टम, यहाँ पर देखिए मार्टा एंड रुस्टम एंड यहाँ पर आप देख सकते हो वो चैनल आ जाएगा। इस चैनल पर 3 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं एंड वो सारी वीडियोस यहाँ पर आपको मिल जाएंगी यहाँ से। अब आप इनको डाउनलोड कर सकते हो एंड इसके बाद अब बात करते हैं AI वॉइस की। तो उसके लिए देखिए आपको क्रोम ब्राउजर पर आ जाना है एंड इसके बाद आपको एक वेबसाइट बताता हूँ 11 लैब्स। ये वेबसाइट काफ़ी सारे शॉर्ट क्रिएटर यूज करते हैं। अब देखिए आपको इससे वॉइस जनरेट कैसे करनी है, साइड में आप स्क्रीन रिकॉर्ड देख रहे होंगे, आपको ये सबसे पहले एक हिंदी स्क्रिप्ट लिख लेनी है। देखिए सबसे पहले आप वीडियो को अच्छी तरह से वॉच कीजिए, उसकी स्टोरी को समझिए, फिर उसकी स्क्रिप्ट को लिखिए हिंदी में और कुछ इस तरह से आपको लाइन बाय लाइन पैराग्राफ में कन्वर्ट करके इस यहाँ पर वेबसाइट में पेस्ट कर देना है एंड यहाँ पर कैरेक्टर सिलेक्ट करके जनरेट पर क्लिक करके यहाँ से ऑडियो को सिंपल डाउनलोड कर लेना है। और अगर आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप टेलीग्राम चेक कर लेना, सब कुछ सोल्यूशन आपको वहीं पर मिलेगा। तो देखिए अब आपके पास वीडियो भी हो गई एंड आपके पास AI वॉइस भी हो गई, तो आपको वीडियो एडिटिंग के लिए कोई एप्लीकेशन चाहिए तो हम एडिटिंग के लिए यूज करेंगे काइन मास्टर एप्लीकेशन का, क्योंकि उसमें आपको कोई वाटरमार्क देखने को नहीं मिलता है एंड काफी सारे फीचर्स मिलते हैं, कलर ग्रेडिंग भी आप उसी में कर सकते हो, तो काफी सारे फीचर आपको उसमें मिलने वाले हैं जिससे आपका एक प्रोफेशनल शॉर्ट वीडियो क्रिएट होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप वीडियो को स्किप करके देखोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो प्लीज वीडियो को स्किप करके मत देखना वरना आप अभी जा सकते हो आपके पास जब टाइम है जब आप वीडियो को देखना। तो अभी मैं आ गया हूँ अपने काइन मास्टर एप्लीकेशन में। अब यहाँ पर वीडियो की एडिटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको प्लस पर जाना है एंड इसके बाद आपको 3 रेशो सिलेक्ट होते हैं, यहाँ पर आपको बीच वाले रेशो को सिलेक्ट कर लेना है 9:16 का, क्योंकि इसमें ही आपको ज़्यादातर शॉर्ट वीडियोस देखने को मिलेंगी। अब देखिए यहाँ पर मैं वीडियो सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर डाउनलोड किया है उस चाइनीज ऐप से, तो यहाँ पर मैं फटाफट सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो अभी मैंने यहाँ पर वो वीडियो सिलेक्ट कर लिया है। अब सबसे पहले आपको इसके लोगो को क्रॉप करना होगा, इसके लिए आपको यहाँ पर एक सेकंड ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर आप देखिए इस पर आप क्लिक करोगे एंड इसको थोड़ा सा जूम कर दोगे तो यहाँ पर ये लोगो गायब हो जाएगा। अब इसके बाद आपके ऊपर बराबर के निशान पर क्लिक करके टिक पर क्लिक कर देना है एंड इस पर क्लिक करोगे
इसके बाद आपको एक ऑप्शन दिखता है रोटेट एंड मिररिंग का, यहाँ पर आपको आना है एंड फर्स्ट वाले पर क्लिक कर देना है, जिससे आपकी वीडियो पूरा ही चेंज हो जाएगा, आपका कॉपीराइट इशू खत्म हो जाएगा। बस आपको इस पर कलर ग्रेडिंग और करना है। कैसे करना है देखिए, सबसे पहले आपको इस वीडियो पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको स्क्रॉल करना है एंड कलर फिल्टर पर क्लिक करना है। अब आपको क्या करना है, गोल्ड पर जाना है एंड यहाँ पर थ्री वाले फिल्टर को सिलेक्ट कर लेना है, और आप चाहो तो यहाँ पर वन वाले को भी कर सकते हो, दोनों फिल्टर अच्छे हैं। इसके बाद आप क्या करना है देखिए, यहाँ पर आपका कलर भी एडजस्ट हो गया। अब आपको AI वॉइस ऐड करनी है, इसके लिए आपको ऑडियो पर जाना है, इसके बाद आपको CI वॉइस को ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर मैं फटाफट उस AI वॉइस को यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ एंड AI वॉइस को ऐड करने के बाद अब आप देखिए यहाँ पर आपको कुछ गैप देखने को मिलते हैं, आपको इन गैप को खत्म करना होगा, नहीं तो YouTube आपको कॉपीराइट दे देगा, क्योंकि आप डायरेक्ट AI वॉइस डाउनलोड करके उसके ऊपर पेस्ट नहीं कर सकते। देखिए किस तरीके से करना है आपको, यहाँ पर देखिए इस तरीके से इसको स्क्रॉल किया एंड आपको कैची का ऑप्शन दिखता है, यहाँ पर देखिए कैची का, जैसे ही आप ऑडियो पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको कैची का ऑप्शन देखेगा। अब आपको देखिए पहले ऑप्शन से आप लेफ्ट साइड का वीडियो कट कर दोगे, ऑडियो कट कर दोगे एंड दूसरे ऑप्शन से आप राइट साइड का ऑडियो एंड वीडियो कट कर सकते हो एंड जो थर्ड ऑप्शन है उससे आप स्प्लिट कर सकते हो, दो भागों में बांट सकते हो वीडियो को एंड ऑडियो को। तो देखिए अभी मैं स्प्लिट करता हूँ और उसके बाद आपको इसको कट नहीं करना है, सिर्फ इसको इस तरीके से जूम करके सिलेक्ट कर देना है। देखिए यहाँ पर ये ऑडियो खत्म होगा और दूसरा ऑडियो प्ले हो जाएगा इस तरीके से पार्ट बाई पार्ट। अब देखिए सेम इस ऑडियो को भी ट्रिम पर जाते हैं, स्प्लिट पर जाते हैं एंड यहाँ पर कर लेते हैं। देखिए इसको भी यहाँ पर सिंपल यहाँ से कट करेंगे एंड यहाँ पर कर लेते हैं। तो मैं आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ एंड यहाँ पर फटाफट इसको कट कर लेता हूँ। तो देखिए इस तरीके से मैंने इनको कट किया एंड यहाँ पर आगे मैंने कर दिया। अब यहाँ पर देखिए कुछ कट और बचे हुए हैं, यहाँ पर इस तरीके से मैं स्प्लिट कर देता हूँ एंड यहाँ पर कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से ज़्यादा हो गया है, इसको एडजस्ट कर लेते हैं अपने हिसाब से। तो देखिए यहाँ पर करने के बाद अब देखिए सारे कट हमने हटा दिए हैं। अब हमें देखिए क्या करना है, यहाँ पर इस वीडियो में कुछ थोड़ा सा एडिटिंग करना होगा। तो यहाँ पर लेयर पर जाना है, टेक्स्ट पर जाना है। अब यहाँ पर हमें लिख देना कोई सा भी यहाँ पर क्लिक बेट चीज, जिससे लोग क्लिक करें जो आपको शॉर्ट कवर शो होता है। देखिए हम यहाँ पर लिख देते हैं यहाँ पर अबे कौन मार रहा है, और इसके बाद हम एक इमोजी भी ऐड कर देंगे यहाँ पर, देखिए फनी वाली हंसने की है, और ओके कर देंगे। अब देखिए सबसे पहले आपको ए पर जाना है, इसके बाद आपको कोई सा फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेना है, इसके बाद आपको इसका जो कलर है वो यहाँ पर कर देना है रेड एंड स्क्रॉल करके बैकग्राउंड कलर पर जाना है, इनेबल करके नीचे वाले ऑप्शन को इनेबल करना है और इसका जो कलर है येलो सेलेक्ट करके इसकी लेंथ को आपको बढ़ाना होगा यहाँ पर। देखिए अब आपको इस तरीके से इसको बड़ा करके यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है, देखिए इस तरीके से यहाँ पर एडजस्ट करने के बाद अब इसकी जो लेयर है आपको बढ़ा देनी है एंड तक इस तरीके से। देखिए यहाँ पर मैंने लेयर बढ़ा दिए, अब आप देख सकते हो इसके लिए आप एक क्लिकबेट थंबनेल भी ले सकते हो। कैसे लेना है देखिए, यहाँ पर देखिए ये आदमी छुप रहा है यहाँ पर, तो इस तरीके से हम देखते हैं ये आदमी पीछे देखेगा। देखिए अब यहाँ पर देखिए ये थंबनेल मुझे बेस्ट लग रहा है। तो यहाँ पर इस थंबनेल को लेने के लिए आपको जाना है इस ऑप्शन पर, यहाँ पर देख सकते हो कैमरा जैसा, इस पर क्लिक करोगे एंड आपको कैप्चर एंड सेव पर क्लिक कर देना है, यहाँ से आपको जो थंबनेल है वो सेव हो जाएगा। अब आपको लास्ट में आ जाना है, देखिए इस तरीके से यहाँ पर थोड़ा ये वीडियो हो गया है। अब मैं यहाँ पर लास्ट में आता हूँ एंड लास्ट में देखिए 35 सेकंड का वीडियो है, तो लास्ट में आकर लेयर पर जाएंगे, इसके बाद मीडियो पर जाएंगे एंड यहाँ से हमने जो काइनमास्टर कैप्चर सेव किया उसको सेलेक्ट करेंगे। देखिए कैप्चर पर जाते हैं एंड ये पिक हमारे पास आ गया। अब इसको हम सिंपल से यहाँ पर जूम कर लेते हैं, देखिए अब यहाँ पर आपकी वीडियो चले गए, लास्ट में भाई आपके पास थंबनेल हो गया, जिससे आप क्या कर सकते हो जब आप वीडियो अपलोड करोगे तो आप उसको यहाँ पर सिंपल सिलेक्ट कर सकते हो लास्ट में आके। थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर देते हैं यहाँ पर, देखिए ये देखिए अब यहाँ पर थंबनेल भी ऐड हो गया। अब सिंपल आपको इसको एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है एंड यहाँ से आपको एक्सपोर्ट कर देना है। योग दोस्तों आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, फिलहाल आपको कोई भी डाउट हो एंड आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा एंड मिलते हैं ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।